नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका फिल्मलोक की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं साउथ की पांच बेहतरीन एक्शन ड्रामा रोमांस क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर पर बनी ये फिल्में। दोस्तों, आज की सभी फिल्में हिंदी में YouTube पर ही देखने को मिल जाएगी, मगर दोस्तों इस बात का ध्यान रखना इनमें से कुछ फिल्में अनऑफिशियल अवेलेबल है जो कॉपीराइट की वजह से कभी भी रिमूव हो सकती है, तो आप इन्हें जल्द से जल्द देख लेना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर पाँच पर आती है 2018 में रिलीज हुई कन्नड़ लैंग्वेज की बेहतरीन क्राइम थ्रिलर वाली फिल्म दांडुपालिया थ्री, और इस फिल्म को हिंदी में बेखौफ अपराधी नाम से डब किया गया है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में पूजा गांधी, रवि काले, मकरंद देशपांडे और पी रविशंकर के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो दांडुपालिया मनोरोगियों का एक गिरोह है जो अपनी वासना और पैसे की इच्छा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वे लोगों को सबसे क्रूर तरीके से मारना शुरू कर देते हैं। ये गिरोह करीब 80 आपराधिक मामलों में सीधे तौर पर शामिल है, जिसके दौरान एक असभ्य पुलिस अधिकारी गिरोह के सदस्यों के इर्द गिर्द घूमता है और उन्हें कानून में दोषी साबित करने की कोशिश करता है। और कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म ऑफिशियल अवेलेबल है, जिसकी लिंक नंबर 5 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 80% लाइक्स मिला है। और इसके बाद नंबर 4 पर आती है 2018 में रिलीज हुई कन्नड़ लैंग्वेज की बेहतरीन एक्शन ड्रामा थ्रिलर वाली फिल्म चुरिकिट्टे, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में प्रवीण तेज साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो एक महत्वाकांक्षी पुलिसकर्मी चुरिकिट्टे में आपराधिक गतिविधियों के बिगड़ने पर मामलों को अपने हाथों में लेने और स्थानीय पुलिस कर्मियों को बचाने का फैसला करता है। वह इस बात से अनजान होता है कि उसके क्या परिणाम होंगे और कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म ऑफिशियल अवेलेबल है, जिसकी लिंक नंबर 4 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 7.6 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 92% लाइक्स मिला है। और इसके बाद नंबर 3 पर आती है 2017 में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की बेहतरीन ड्रामा थ्रिलर वाली फिल्म मात, और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में रवीना टंडन, अलीशा खान, मधुर मित्तल, दिव्या जगदाले और अनुरा अरोरा के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो एक राजनेता का बेटा और उसके दोस्त स्कूल शिक्षिका विद्या और उसकी बेटी टिया का अपहरण करके उनका यौन उत्पीड़न करते हैं। इस घटना में बेटी की मौत हो जाती है। विद्या, जो अपनी बेटी टिया की हत्या के बाद बिखर गई है, टूटे हुए न्याय और आपराधिक व्यवस्था से लड़कर बदला लेना चाहती है। और कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म ऑफिशियल अवेलेबल है, जिसकी लिंक नंबर 3 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 4.7 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 46% लाइक्स मिला है। और इसके बाद नंबर 2 पर आती है 2016 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की बेहतरीन ड्रामा मिस्ट्री रोमांस वाली फिल्म पेंसिल। इस फिल्म को हिंदी में पेंसिल द मर्डरर नाम से डब किया गया है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में जीवी प्रकाश, श्रीदिव्या और शारिक हसन के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो शिवा 12वीं कक्षा का एक प्रतिभाशाली छात्र है जो गुप्त रूप से अपनी सहपाठी माया से प्यार करता है। जैसे जैसे समय बीतता है एक स्टार नायक का बेटा नितिन कूल में शामिल हो जाता है और स्कूल की सभी लड़कियों और उसे संभालने वाले शिक्षकों के लिए भी एक बड़ा सिरदर्द बन जाता है। उसकी कुख्यात गतिविधियां इस हद तक पहुंच जाती हैं कि हर कोई उससे नफरत करने लगता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब स्कूल परिसर में अचानक नितिन की हत्या हो जाती है। शिव और श्री दिव्या दोनों की नजर उसके शव पर पड़ती है। कोई विकल्प न होने पर वे इस हत्या के मकसद के पीछे जाने का फैसला करते हैं। अब वे रहस्य की जांच कैसे करेंगे हैं ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म ऑफिशियल अवेलेबल है, जिसकी लिंक नंबर 2 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 5.6 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 88% लाइक्स मिला है। और इसके बाद नंबर 1 पर आती है 2023 में रिलीज हुई हिंदी लैंग्वेज की बेहतरीन ड्रामा थ्रिलर वाली फिल्म इनकार, और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में रितिका सिंह, मनीष झंझोलिया और संदीप गोयक के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो हरियाणा में पुरुषों के एक समूह ने दिनदहाड़े शहर की एक युवा लड़की का अपहरण कर लिया और कार में उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वे उसे एक गाँव में एक परित्यक्त मिल में ले जाते हैं,
वह भीख मांगती है और आजाद होने की गुहार लगाती है और भागने की भी कोशिश करती है, लेकिन इन अपराधियों से बचना बहुत मुश्किल है। ऐसी विकसित स्थिति में साक्षी क्या करेगी, ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म अनऑफिशियल अवेलेबल है, जिसकी लिंक नंबर 1 पर प्रोवाइड कर दी गई है, और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 7.8 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 91% लाइक्स मिला है। दोस्तों, ये थी साउथ की वे 5 बेहतरीन फिल्में। उम्मीद है आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी बेहतरीन फिल्मों की जानकारी आपको आगे भी मिलते रहे। और आज की इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।